सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, संयुक्त कर्मचारी संघ, संयुक्त कर्मचारी मंच व चंडीगढ़ पंचकुला की निदेशालय की तालमेल कमेटी के आह्वान पर रोडवेज के समर्थन में की गई 30 व 31 अक्टूबर की हड़ताल में लगभग 3 लाख कर्मचारियों ने भाग लेकर इतिहास बनाया और सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किए। पानीपत में इसका नेतृत्व कश्मीर सिंह ने किया। हरियाणा सरकार के फैसलों के कारण युवाओं के रोजगार छीने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में अप्रेंटिस व सक्षम रोजगार पैदा कर दिए गए हैं, जो पढ़े लिखे युवाओं के साथ धोखा है। रोडवेज की बसों में हर रोज लगभग 33 लाख लोग यात्रा करते हैं, अपने स्कूल, कॉलेज व दफ्तर तक जाते हैं। सन 1966 से पहले रोडवेज बैंक, बीमा, स्कूल, सड़क, पानी प्राइवेट हाथों में थी। रोडवेज का विभाग बनने से जो सुविधा मिली उससे गांव-गांव तक बस पहुंची तो शिक्षा का विकास हुआ और रोजगार के अवसर पैदा हुए। बीजेपी वापिस 1966 के दौर में ले जाना चाहती है, यह कहना है कश्मीर सिंह का। जसवीर सिंह, रामपाल कुंडू तथा तेजपाल ने कहा कि रोडवेज में भाजपा के लोग अपनी बसें चलाकर रोजगार के अवसर खत्म करना चाहते हैं। सर्व कर्मचारी संघ संयुक्त मंच हरियाणा शिक्षा विभाग की तालमेल कमेटी और दूसरे अन्य संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन आज ये लाल बत्ती पर इकट्ठा होकर के सारे कर्मचारी जिला मुख्यालय तक आए और यहाँ अपनी जनसभा करेंगे। इसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ में मुख्य तौर पर नगर पालिका, बिजली, पब्लिक हेल्थ, टूरिज्म और 112 यूनियनों ने हिस्सेदारी की। आज सरकार से रोडवेज के साथियों की बातचीत भी है और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, रोडवेज के साथियों की कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, एक मांग है, उसको सरकार कर्मचारियों के अनुरूप मांगते हुए और इस समस्या का समाधान करे ताकि जो जन सुविधाएं के लिए ये कर्मचारी सरकार ने लगाए थे उनको ठीक ठाक तरीके से दे सके। मेरा नाम कश्मीर सिंह, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ पानीपत। और इस सिर्फ मांग ये है कि भाई इन जो बेड़ा है जिनको निजीकरण करने जा रही 720 बसों परमिट दे के लाने करती है और सरकार ये कहती है कि भाई सरकार के पास इतना बजट नहीं है। हम इस बात को सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि हमारा टोटल कर्मचारी एक महीने की तनख्वाह देकर हरियाणा सरकार को पैसा देना चाहती है, उस पैसे से रोडवेज की बसें खरीदें और हम इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की ये बात नहीं चलेगी कि पैसा नहीं है और बजट नहीं है। आम जन संगठन, आम पब्लिक भी इस चीज़ के विरोध में है क्योंकि अगर प्राइवेट कर दिया तो ये लोग बसों को ना चलाकर ये बुकिंग करेंगे और जो हमारी बहन बेटियां गांव में आखिरी तौर तक जाती हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी और उनकी मान सम्मान का भी मामला है। तो मेरा नाम रामपाल कुंडू, SKS उप प्रधान जिला पानीपत। सरकार ने इस बात की सोच चाहिए कि आज भी जो प्राइवेट बसें लगी हुई उन लोगों का व्यवहार कितना बढ़िया होता है, वो लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं ना, कहीं बसों को जब पूरी बस भर लेगी उसके बाद उन्होंने चलना है, और रोडवेज का एम्प्लॉय तो कहीं भी बस को रोक देते हैं, सवारियों को भी उठाते हैं, और ये जो स्टेप सरकार उठा रही है इसके लिए कोई गलत है यू काम। और रोडवेज ने 720 बेड़े ये बात छोड़ कर 720 बसों की, और हरियाणा सरकार जो परिवहन का बेड़ा है उसके अंदर 720 बसें जोड़ के और 720 कंडक्टर भर्ती करे, 720 रोड ड्राइवर भर्ती करे और उसके बाद कंडक्टर भी और मैकेनिकल स्टाफ भी लगेगा, 5-6 हज़ार आदमियों को रोजगार मिलेगा। तो ये आगे आने वाले जो नौजवान हैं उनका भविष्य भी क्यों खराब कर रही है सरकार अपने चंद आदमियों के स्वार्थ के चक्कर में, क्योंकि ये तो बड़े सरमाएदारों की बसें होंगी, जो भी बसें इसमें 720 लगेंगी वो बड़े सरमाएदारों की बसें हैं, न कि किसी गरीब आदमी को रोजगार देंगे। 5,000-4,000 रुपये में रोडवेज के कोई भी अपना ड्राइवर लगाएंगे उसको देंगे, कंडक्टर को देंगे, तो उसमें कैसे रोजगार चलेगा। तो आगे हम तो ये कहते हैं कि सरकार ने स्टेप को छोड़ कर 720 बसें रोडवेज के बेड़े में भर्ती करे और सारे एम्प्लॉयज एक महीने की तनख्वाह देने के लिए तैयार है।